इमाम असर अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ की दुआ चाहिए, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ चाहिए, तो फिर यकीनन हमें माफ़ करना होगा, ठीक है। और नफ्सियाती और जिस्मानी लिहाज से भी उसके फ़ायदे पता है क्या है, कहते हैं जो मियाँ बीवी या रिश्तेदार आप एक दूसरे को जल्दी माफ़ कर देते हैं, अगर उनके बदन में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो वो फ़ौरन हील होने लग जाता है, ये साइंस ने देखा है। तो ये जैसे ही मरीजों ने कीना हटाना शुरू किया और फॉरगिवनेस को वेलकम करना शुरू कर दिया, तो उसकी हीलिंग पावर को कैमरे ने दिखाया कि किस तरह से ज़ख्म को मरहम मिल जाता है। तो ज़ख्म बदन का, दर्द व दुख का, जोड़ों के दर्द का, कमर के दर्द का, इनका असर है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए बिल्कुल देते चले जाओ, देते चले जाओ, दुनिया और आखिरत में आपको इज़्ज़त मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल अफ़, ना छोड़ो ना अफ़ को, माफ़ कर देने को। क्यों? फ़इन्नल अफ़्वा ला यज़ीदुल अब्द इल्ला इज़्ज़ा, क्योंकि अफ़, माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस, कुछ भी एक बंदे में इजाफा नहीं करता, कुछ नहीं देता उसे सिवाय इज्जत के, यानी इज्जत ही इज्जत इज्जत देता है। फताफो युइज्जुकुमुल्लाह, माफ़ करते जाओ, अपने सर पर ताज, ताज इज्जत जो रब पहना रहा है, उस क्राउन को, डिग्निटी के क्राउन को अपने सर पे सजा दो बाय फॉर गिविंग अदर्स फॉर एवर। आप खुद लाइट, आप खुद फ्री, आप खुद आज़ाद, हुर्रियत कि उस अजीम मंजिल में दाखिल हो जाते हो जब आप माफ़ करना शुरू कर देते हो। देखिए, नफ़रत गुस्सा जो हम अपने दिल में रखते हैं अगर, तो वो हकीकतन एक पॉइजन है, हकीकतन वो एक कैंसर है। गुस्से में आप बताएं, आप गुस्सा करें तो उसमें लज्जत, मज़ा, फ़ख्र है, या माफ़ कर देने में, लेट इट गो में, माफ़ करके, जिससे आपको भी नफ़रत है अगर बिलफर्ज़, इंशाल्लाह आप में से कोई ऐसा नहीं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मैं सच बताऊँ बहुत शर्म आ रही है। और मैं परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मेरे वालदेन ने नजफ़ अशरफ़ में, जहाँ मैं पैदा हुई, वहाँ मुझे इतना प्यारा नाम दिया, राज़िया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ कि बीबी के दो लक़ब राज़िया बतूल, किरदार में बहुत नाचीज़ लेकिन नाम बहुत प्यारा है, तो कोशिश ये होती है इस नाम की पासदारी की जाए, ये नाम अमानत है, इस नाम का एहतराम किया जाए, उसकी हिफाजत में जो है वो राज़ी राज़ी राज़ी, जल्दी खुश खुश या सरीअ रज़ा को रिफ़्लेक्ट करने की हम सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप किसी से नाराज़ हैं बहुत डीपली, तो आपको अगर वो शख्स पसंद नहीं है तो उसको माफ़ करके ना गोया उसे हैरान कर दें, यानी उसका बदला माफ़ करके उसको शॉक कर दें, ये उसका बदला है। आपको खुद नहीं पता, वो आपको खुश देख के शायद इतना खुश नहीं होगा, लेकिन आप खुश रहोगे, इसमें आपको रुश्द मिलेगी। कहते हैं ना, कोई आपके साथ बुरा करे, ठीक है, वो आपको डैमेज करना चाह रहा है और आप डैमेज हो जाते हो, तो वो कामयाब हो गया। कोई आपके साथ जुल्म कर रहा है, वो आपको डैमेज करना चाह रहा है, लेकिन आप उसको माफ़ कर रहे हो, तो आपने उसके जुल्म के ज़रिए अपने आप को क्या किया, इन्हेंस किया, आपकी ग्रोथ है उसमें, आपकी तरक्की है उसमें। तो इस तरह के जुल्म जो हो रहे हैं आपके साथ, उसको भी अपनी तरक्की का एक ज़ीना बनाओ।